ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, यस सर। आज मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाह रहा हूँ कि अपन ने अभी तक जो पढ़ाया है और जो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि तो दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। एक सबसे बड़ा पैरामीटर ये है कि आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझते क्या हो। क्या सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कुछ और है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अपन लोग जो बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स अपन पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ने का बेसिक मोटो क्या है? आपने कभी सोचा क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो MSc IT आप कर रहे हो, MSc IT से आपको क्या फायदा होने जा रहा है? कभी आपने सोचा क्या? क्या? ऐसे सोचा है। हाँ हाँ सर, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से नहीं पता लगेगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर, और दूसरी बात है, ये जिस फील्ड में हम है वो उस फील्ड के अंदर कि जितने भी प्रोसेस है वो प्रोसेस किस बेस पे काम कैसे काम कर रहे हैं, वो सब इसी सब्जेक्ट से पता लगेगा। आप वीडियो ऑन क्यों नहीं करते? करते भी एक शो कर दिया ऑन करके। अच्छा हाँ, एक्चुअली आप MSc IT कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि MSc IT क्यों कर रहे हैं हम लोग? सर इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि सर हम ये जो है हमें IT फील्ड में जाना, और IT फील्ड में जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जितने भी प्रोसेस के मतलब वो कैसे काम करेंगे, और कोडिंग कैसे होती है, डेवलपर जितने भी चीजें सब कैसे हो रही है, सब हमें पता होती है, तभी जब हमने तो हम जाके उस फील्ड में काम कर सकते हैं ना। जब हम क्लास में बात किए थे फर्स्ट क्लास, आपको याद हो मैंने कहा था कि यस आप सर, जो है मैकेनिकल इंजीनियर जो है मशीन बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल यस सर, इंजीनियर्स उसके हिस्से बनाते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ऑटोमोबाइल्स ही बनाते हैं, एविएशन इंडस्ट्री जो है प्लेन बनाता है, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो क्या करता है, क्या बनाता है, क्या है? सॉफ्टवेयर बनाता है सर। तो कंप्यूटर इंजीनियर जो है सॉफ्टवेयर बनाता है, यस सर, कंप्यूटर तो नहीं बनाता ना, नो सर, कि कंप्यूटर ही बनाता? नहीं सर, वो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का मतलब जो है आप क्या समझते हो, कंप्यूटर किसको कहते हैं, किसको है? अ मशीन विच इज इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर एंड इट्स यूज्ड बाय द देखो बेटा, एक सीधी सी बात है, आप जो डेफिनेशन दे रहे हो, डेफिनेशन जो है स्टार्टिंग में जो आपको बताया गया है वो बात ठीक है। फैक्ट यस सर, जब अगर हम बात करते हैं कि हम अपने आप को कंप्यूटर इंजीनियर बात करते हैं, इसका मतलब वी मस्ट हैव अ पावर टू कंप्यूट लॉजिकल एंड एनालिटिकल रिव्यू, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर के अंदर से एक प्रोसेसर निकाल देते हैं तो कंप्यूटर कहीं नहीं रहेगा क्या? प्रोसेसर अगर निकाल दे कंप्यूटर से तो कंप्यूटर रहेगा क्या वो? नो सर, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर जो है मैथमेटिक्स और लॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इंजीनियर्स में हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जहां बात आती है तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर को हम कंप्यूटर नहीं कहते। हमारे स्क्रीन के पीछे आपको एक टेलीविजन दिख रही है, दिख रही है ना? यस सर, तो यस सर, टेलीविजन जो है वो हार्डवेयर है, लेकिन अगर इसके अंदर प्रोग्राम्स नहीं है तो इसकी कोई प्रासंगिकता बनती है क्या? ये टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम नहीं चले तो कोई मतलब बनता है क्या इसका? नो सर, सेम केसेस कंप्यूटर के अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो
या प्रोग्राम नहीं हो तो कंप्यूटर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि MNCIT आप कर रहे हो, जिसका मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस होता है क्या इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या होता है, क्या क्या डिग्री है? क्या है MNCIT है क्या? मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है क्या? यस सर। तो मास्टर ऑफ साइंस का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर साइंस है, जो हमारा साइंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। यस सर। तो कंप्यूटर साइंस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है इंफॉर्मेशन, आपके पास बहुत सारे सोर्स से इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। आप घर से बाहर भी जाते हैं तो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, घर के अंदर भी इंफॉर्मेशन आते हैं, आपके साथ जो आपके दोस्त मिलते हैं वो भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, आपके आपके जो है फैमिली वाले अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, आपके दोस्त के अलावा आप इंटरनेट से बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, आप बुक से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को करोगे क्या? अरे अभी स्टैंडर्ड 1 से लेके अभी तक आपने लगभग जो है 1917 तक जो है स्टडी कर रहे हो, 17 में है, मतलब 17 साल तक तो आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो ना। यस सर। अब वो इंफॉर्मेशन को करोगे क्या? या तो एप्लीकेशन करेंगे। वो ज्ञान जो है आपने जो गेन किया है वो ज्ञान कब करोगे क्या? यो ज्ञान को आप किसी दूसरे को देने की कोशिश करोगे या किसी टेक्नोलॉजी के मदद से वो इंफॉर्मेशन जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा पाए, यही करोगे ना? यस सर। फॉर एग्जांपल अगर हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। ओके ओके सर। अब यहाँ पे जो बुक मैंने रेफरेंस किया है रॉगर्स एक्सप्रेसमैन, उन्होंने भी अपना जो कंसेप्ट और अपनी जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो बुक में कन्वर्ट कर दिया। आखिर ये बुक में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको उस नॉलेज को ले पाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उस लोग उस नॉलेज को ले पाए। और इसको उसने मदद जो किया है वो कोई टेक्नोलॉजी के मदद से किया। अब टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम बुक की बात करते हैं तो बुक जो है कौन सी टेक्नोलॉजी पे है? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे है ना? अरे बुक किस पे है? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे है ना या नहीं? अब अगर हम बुक जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे है तो हमारे पास जो मास पब्लिकेशन और मास सर्कुलेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो हिस्ट्री वाले हो, सिविक्स वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो, मैकेनिकल हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या जो भी डोमेन में एडमिनिस्ट्रेशन हो कोई भी, उन लोगों के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आपने जो टेक्नोलॉजी सीखा है उस टेक्नोलॉजी के मदद से आप उसके इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन पे पहुंचा पाओ। इसके लिए आपको जो है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताए जा रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के प्रोसेस को समझाए जा रहे हैं, आपको जो है कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आपको सुडो कोड भी बताया जा रहा है, एनालिटिकल थिंक के लिए मैथमेटिक्स भी बता रहे हैं, एल्गोरिथम बता रहे हैं, सुडो कोड भी बता रहे हैं, और बहुत सारे चार्ट्स भी बताए जा रहे हैं। बताया गया है क्या आपके सब्जेक्ट में? अरे बताया गया है क्या? यस सर, बताया गया। बताया गया। अब लास्ट में हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि हम जो है जो चीज पढ़े हैं उसको कैसे कंबाइंड करेंगे। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है,
आपने डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, आपने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के बारे में पढ़ा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन जो नॉलेज आपने लिया है, जो जो प्रोग्रामिंग स्किल आपने लिया है, उस प्रोग्रामिंग स्किल को हम किस मेथड से यूज करें और जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, किसमें? प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में, क्योंकि मार्केट में तो प्रोडक्ट ही बिकेंगे ना। यस सर। आपका सिंटैक्स तो बिकेंगे नहीं? नो सर। अच्छा चलो, एक चीज सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। मोबाइल खरीदने जा रहे हो, कोई आदमी आपको जो है मोबाइल का एक स्पीकर दे दे हाथ में, तब क्या करोगे? आपके कौन सा काम का है मोबाइल का स्पीकर? नहीं है सर काम का। अच्छा चलो, उसका कैमरा निकाल के दे दे हाथ में, बोली ले जाओ, क्या करोगे उसका? नहीं सर। चलो उसका कैबिनेट आपको हाथ, कैबिनेट हाथ में दे दे, तब क्या करोगे उसका? अपने कोई काम के नहीं है ना? नो सर। लेकिन फिर भी है ना, वो काम तो है, स्पीकर बनाने तो वाले मोबाइल के अंदर होंगे तब काम में आएंगे ना। ये तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आप प्रोडक्ट यूजर हो। लेकिन अगर हम बात करें वो बंदा जिसने वो स्पीकर बनाने का ही काम शुरू किया है, उसके लिए तो स्पीकर ही प्रोडक्ट हुआ ना। हाँ सर। तो उसके लिए तो प्रोडक्ट स्पीकर ही हुआ, उसके लिए मदरबोर्ड बनाने वाली जो कंपनी है उसके लिए मदरबोर्ड ही प्रोडक्ट हुआ, और जो है आपके जो है साउंड वाला जो है स्पीकर हुआ, उसका प्रोडक्ट हुआ, कैमरे वाले का अपना प्रोडक्ट है कैमरा, क्योंकि कैमरा बनाने वाली भी तो कंपनी है या नहीं है? Yes, अब क्वेश्चन ये है कि आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम बनाया, छोटा छोटा प्रोग्राम बनाया ना। Yes, sir. अब वो जो प्रोग्राम बनाया उसको इस तरह से समझो कि ये एक मोबाइल का एक छोटा सा स्पीकर है या कैमरा है या मदरबोर्ड का स्टेशन है या सीपीयू है या उसका रैम है, उसका रोम है, ये ऐसे समझो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और उसके प्रोग्राम को, ठीक है? जब हम उसको कंबाइंड कर देते हैं तो एक प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम उसको मार्केट में सेल कर पाते हैं। यस यस सर। अब मार्केट में जब हम सेल करते हैं तो मार्केट में जब हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। यस सर। और जिसको पसंद आता है वो तो परचेज कर लेता है, जिसको नहीं पसंद आता है नहीं पड़ता। आप क्या चाहते हो, आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें या कम से कम लोग परचेज करें? ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सर पहले हमें जो पीपल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें सॉफ्टवेयर को प्लान के फेज में भी देखना पड़ेगा, डिजाइन के फेज में भी देखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन में भी देखना पड़ेगा, टेस्टिंग में भी देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस में भी देखना पड़ेगा और डिप्लॉयमेंट में भी देखना, मतलब किसी भी फेज में हम गड़बड़ी नहीं करें। यस सर। और ये सारे फेज को सही ढंग से इंप्लीमेंट करने की जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके ओके सर। और ये जो मेथड है उस मेथड को हम लोग कह रहे हैं प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस। प्रोसेस मॉडल्स। लेकिन क्या सारे मॉडल्स सभी लैंग्वेज सभी तरह के सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या सारे मॉडल सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या कोई कहेगा कि हमें 10 दिन में सॉफ्टवेयर दीजिए, कोई कहेगा नहीं मेरा सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है हमें 2 महीने में चाहिए, कोई ये कहेगा कि हम 2 साल में हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई ये बोल रहा है कि हमें सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जो हम जो है वर्ल्ड में डेटा, जैसे पबजी का नाम सुना है आपने? यस सुना है। तो पबजी ने 24 घंटे के अंदर 100 करोड़ का डेटा बना लिया। कितना? 100 करोड़ का। आप सोचो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी 100 करोड़ कस्टमर नहीं बना पाई थी, आपको पता है? नो सर।
टेलीफोन को 100 करोड़ कस्टमर बनाने में लगभग 50 साल लग गए, लेकिन पबजी ने 24 घंटे में बना दिया। किसके मदद से? अरे बोलो, किसके मदद से बना लिया? वो टेक्नोलॉजी के मदद से ना। यस सर। अगर वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता और अगर 1-to-1 मिलने के लिए जाता 100 करोड़ लोगों से, तो कितने दिन में मिलता? सबका बहुत टाइम लग जाता। अपनी जिंदगी में कर पाता क्या वो? नो सर। तो कैसे कर लिया उसने? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो जो आप पढ़ रहे हो वो पब में आपको प्रोपगेट करने में किसी भी तरह की विसंगतियां नहीं आनी चाहिए। उस विसंगतियों को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस को समझना पड़ता है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मॉडल्स हैं, चाहे वो मॉडल वाटरफॉल मॉडल हो, कन्वेंशनल सिस्टम हो, चाहे स्पाइरल मॉडल हो, चाहे बिन बिन स्पाइरल मॉडल हो, चाहे एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो, चाहे आइटरेशन प्रोसेस हो, चाहे एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस हो, एजाइल, चाहे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो, चाहे स्क्रम हो, ये सारे मॉडल्स जो है सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को जब बनाने जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर बनाने में आपके प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिजाइनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो है डिप्लॉयमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। और आप जब यूजर को डिप्लॉय करो तो यूजर का एक्सेप्टेंस रेट भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको मॉडल्स की बात की थी और मैंने आप लोगों को कहा था सारे मॉडल्स के लिए आप एक कंपेरेटिव स्टडी या कंपेरेटिव चार्ट बना लो, क्योंकि एग्जाम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आएंगे और अगर होएगा तो इंडिविजुअल भी हम क्वेश्चन पुट करेंगे, चाहे वो एजाइल के लिए हो, चाहे स्क्रम के लिए हो, चाहे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल के बारे में हो, चाहे स्पाइरल मॉडल के बारे में हो, चाहे बिन बिन स्पाइरल मॉडल के बारे में हो, एक सारे मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज के लिए हमने आपको जो स्टडी कराया था उसके मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आप समझे कि प्रोसेस मॉडल क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ड्रॉबैक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मिथ क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये मॉडल के डिसएडवांटेज क्या है, इस मॉडल के एडवांटेज क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, और कितने तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं, उस प्रोसेस मॉडल में ईच एंड एवरी मॉडल्स का क्या प्रोस एंड कॉन्स है, ये आपको नोट्स बनाने के लिए हमने आपको कहा था। कहा था या नहीं कहा था? कहा था सर। और लिख के भी दिया था, इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने जो बात किया था उसमें क्लियर कट एक बात आप लोगों को कहा था कि आप देखिए कि हमारा प्रिंसिपल और गाइड प्रैक्टिस क्या है, यही कहा था ना? यस सर। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आप जितने मॉडल स्टडी करोगे उस मॉडल में सॉफ्टवेयर बनाने के क्रम में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, मोटी मोटी बातें, और ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन में हो, चाहे टेस्टिंग में हो, चाहे मेंटेनेंस में हो, या डिप्लॉयमेंट में हो।
सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत धीरे आ रही है, बहुत ज्यादा। हाँ आपकी आवाज धीरे आ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैंने आवा रही है ये सर अब आ रही है। अच्छा, मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि हमने पिछले क्लास में ये कहा था, इतने मॉडल्स के बाद मैंने क्या कहा था, मैंने क्लियर कट कहा था कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है, मॉडल्स है, उस मॉडल को एडॉप्ट तो करो, ये बोला था ना। और yes, अगर उस मॉडल को एडॉप्ट कर रहे हो तो एडॉप्ट करने के क्रम में आपको कुछ प्रिंसिपल और गाइड प्रैक्टिस पे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा। ओके ओके सर, ये मोटी मोटी बातें हैं, हमेशा ध्यान रहे। कभी भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात आए तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस प्रिंसिपल को एडॉप्ट करें। और इस एडॉप्शन के केस में हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता था कि हम सॉफ्टवेयर को समझें और सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल में व्हाट, हु एंड व्हाई का रिजल्ट पहले पता करें, कि सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस जो है एक दिन में सॉफ्टवेयर नहीं बन सकती, और एक बार किसी से बात करने के बाद आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ठीक है सर। अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हो तो आपका जो क्लाइंट है उससे कंस्टेंटली आपको बात करनी पड़ेगी। और आपने देखा था कि वाटरफॉल मॉडल में क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ऐसा ही हो रहा था ना? यस सर, नहीं था। और जब आप स्क्रम और एजाइल डेवलपमेंट में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, क्लाइंट एज ए टीम में काम कर रहा था, ऐसा हो रहा था ना? यस सर, ऐसा ही था। अगर टीम में होगा इसका मतलब कि जब आप काम कर रहे हो उसी समय वो देखेगा कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। यस सर, देखेगा। और अगर सॉफ्टवेयर बना ले उसके बाद उसको दिखाओगे तो क्या बोलेगा सर? उसके बाद हो सकता है कि कुछ उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी ना करी हो, उसके बाद में वापस उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। अब करेक्शन करना इतना आसान है क्या? नो सर, नहीं है। आपने मोबाइल बना के मार्केट में ले गए और आपने स्पीकर का जो है जितना साउंड होना चाहिए डेसिबल का वो नहीं लगाए, आप कैमरा का जो डायमेंशन था वो नहीं लगाए, आपका मदरबोर्ड की कैपेसिटी उतनी नहीं है, आपका रैम प्रोसेस उतने नहीं है, और क्लाइंट के पास जाके बेचा है, ले लेगा क्या वो? नहीं लेगा सर। तो नहीं लेगा तो आपका, आपको तो पैसे लग गए ना, आपने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी पैसे दिए, आपने जो है सिस्टम भी खरीद के लाए और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझा ही नहीं। यस सर, नहीं सुन। जैसे क्या होता है क्लास में भी टीचर बता देते हैं लेकिन टीचर की पूरी बातें समझ में नहीं आती, और बाहर में हल्ला ये करते हैं कि टीचर की बातें उनको समझ ही नहीं आई, और वो उनको तो आता ही नहीं होगा। द थिंग इज दैट यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल पीट एंड फॉल्स इफेक्टिवली, और इस चीज में व्हाट, हु एंड व्हाई का डिसीजन क्लियर है, प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड मेथड। क्या बोला था मैंने? प्रिंसिपल, कंसेप्ट और मेथड। तो प्रिंसिपल जो है उस चीज को समझने के लिए मैंने कहा था कि आप समझिए कि हम सॉफ्टवेयर बनाने के क्रम में हमें ये प्रिंसिपल को पता होना चाहिए, ये प्रिंसिपल में हमारा क्लियर है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं हो कि डिपेंडेंट हो जाए। क्या हो जाए? डिपेंडेंट, क्योंकि कल के डेट में अगर हम नहीं रहे तो उस सॉफ्टवेयर को कोई यूज ही नहीं कर पाए। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओगे क्या? नो सर, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। हाँ, तो इस चीज के लिए प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिंसिपल केसेस में है, और ये प्रिंसिपल मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये प्रैक्टिस आप समझिए और ये गाइड प्रैक्टिस अडॉप्ट कीजिए ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो शायद सिलेबस में आपके होंगे, मैं देखूंगा उसको सिलेबस के केसेस में क्या कंडीशन है, शायद वो डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में बात कर रहा होगा तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, लेकिन मैं ओवरऑल कंसेप्ट की बात कर रहा था कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का डिजाइन मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, मिथ क्या है, कंसेप्ट क्या है, और इसके मॉडल्स क्या है, मॉडल्स सारे मॉडल्स के ड्रॉबैक क्या है, और उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, और इस मॉडल्स में क्या इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक मॉडल्स के बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। और लास्ट में मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करो तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में ये प्रोसेस को समझो।
और इस चीज को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि सर ये सॉफ्टवेयर मॉडल में ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम थी, इस मॉडल्स में इस प्रॉब्लम थी जिसके कारण आप ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाते थे ये मॉडल को, और ये मॉडल यूज नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग नोट्स बना लें और थोड़ा थोड़ा प्रत्येक चैप्टर का, ये चार पांच बच्चे जो आ रहे हैं, चार पांच जो है प्रेजेंटेशन खुद दें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है? ओके सर। तो प्रेजेंटेशन तैयार करें और मेरे को भी बताएं, ठीक है? ठीक है सर। बाकी नेक्स्ट जो है मेरे को जितने जरूरत होगी आई विल टेक द क्लास, डोंट वरी। और अपनी क्लासेस जो है अब 10:30 के बाद ही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, ठीक है? तो शेड्यूल्स मैं उसी हिसाब से करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके, टेक केयर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हेलो, अरे कोई क्वेश्चन no, है? नो सर। क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, टेक केयर। ओके।